बताऊंगी मैं टीचर्स को कि जब जेंसी एक दिन के लिए स्कूल की टीचर बनते हैं तो स्कूल की हालत क्या होती है, और ऐसी ऐसी नॉलेज दूंगी ना बच्चों को कि बच्चों को मजा ही आ जाएगा और टीचर्स मुझे देखने के बाद भी कुछ नहीं कर पाएंगे। या तेरा दिन आज आ ही गया, लेकिन उससे पहले खुद को देख तो लूं कि मैं बॉम्ब लग रही हूँ या नहीं, तभी तो क्लास में फटूंगी जाकर। ये वाली केमिस्ट्री की ये तो बहुत ज्यादा अच्छी है मैम, तो बना लेते हैं आप। वही चुड़ैल है 10th क्लास वाली, कितना इतरा रही है यार देख। इश्क जैसे है एक आंधी, इश्क है एक तूफान, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। बस 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 हो गया, समझ गई मैं अच्छी लग रही हूँ। सिर्फ बॉयज नहीं हूटिंग है गर्ल्स, आप लोगों क्या हो गया, अच्छी नहीं लग रही आपकी न्यू टीचर। ब्लैक साड़ी में तो बिल्कुल साफ लग रही है आप, साफ काली नागिन। बस दीदी हमें डस मत लेना। एक मिनट रुको, मैं दीदी नहीं हूँ आज, ठीक है मैम, कॉल मी मैम, टीचर हूँ तुम सबकी कुछ पता है तुम लोगों को, मैम और आप। दीदी वैसे मुझे आपसे कुछ पूछना था, जो लास्ट ईयर 10th क्लास में फेल हो गई थी वही हो ना आप रिया दीदी? क्या 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 बोल रहे हो, मैं फेल, मैं कब फेल हो गई? दीदी एक मिनट, हमने ना आपका पूरा काला चिट्ठा निकाल रखा है कि आप पढ़ाई में कैसी थी, आपका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, तो हमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अपने क्लास की सबसे बड़ी डफर तो आप ही हो, ओ सॉरी पूरे स्कूल में सबसे डफर तो आप हो। तुम अपना मुंह बंद कर रही हो या नहीं, या अभी तो पनिशमेंट देती हूँ मैं। कैसे कैसे बच्चे इस क्लास में, बहुत बहुत मनहूस बच्चे हो तुम सब, जैसे आप अपनी क्लास में मनहूस हो। तुम्हारी जबान तो कैची की तरह चल रही है, अपनी जबान बंद कर लो, कंपास लूंगी और उससे तुम्हारे होठ सिल दूंगी। तुम्हारे पापा का स्कूल नहीं है ये जो कुछ भी बोल रही हो? हाँ पापा का ही स्कूल है, मिस्टर दीनानाथ चौहान मेरे पापा है। ये स्कूल ही मेरा है, मेरा। एक मिनट में यहाँ से रफा दफा करवा सकती हूँ आपको, समझ आई? तभी कहूँ वो टकली बेटा चिड़कुट क्यों है, और ये लड़की भी उसकी जैसी है बिल्कुल, बाप बेटी बिल्कुल सेम है अकड़ू। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम, कैसी क्लास चल रही है रिया? मैम अभी तो मैं इंट्रोडक्शन ही दे रही थी बस इन बच्चों से, इनके बारे में कुछ कुछ। आई होप कि तुम अच्छा करो आज कुछ, और इन बच्चों को कुछ अच्छा ही सिखाओ। मैम आप चिंता मत करिए, मैं इन बच्चों को कुछ अच्छा ही सिखाऊंगी, तो ठीक है बेस्ट ऑफ लक, देखते हैं क्या करती हो तुम मेरे क्लास की हालत आज। ओके थैंक यू मैम। तो बच्चों अभी मैं आप लोगों से एक बहुत बड़ा सवाल करने वाली हूँ, मुझे आप लोग ये बताओ कि मेरे लिए कौन कौन गिफ्ट लेकर आया, जल्दी दे दो मुझे लाकर, जल्दी से टेबल पे रख। हाँ मैम बिल्कुल लेकर आई हूँ मैं तो, आखिर आप टीचर है तो मैं आपके लिए गिफ्ट कैसे ना लाऊं? ये लीजिए। ये क्या है? आपके नाक के बाल ना बहुत ज्यादा दिख रहे हैं बाहर यहाँ पे, तो इसको ना शेव कर लीजिए, इससे ऐसे ऐसे करके घुमा घुमा के ऐसे शेव कर लीजिए। ये तभी से तुम्हारी, ये रीता मैम ने तुम लोगों को यही सब सिखाया है क्या? मेरे नाक के अंदर कोई बाल नहीं है। हाँ भाई बॉयज क्या हो रहा है, तुम लोग शांत बैठे हो बिल्कुल, अभी तो बहुत हूटिंग कर रहे थे, गिफ्ट निकालो अब, टीचर हूँ भाई मैं आपकी, चलो चलो। हाँ मैम लाए लाए, वो कैसे भूल सकते हैं। इतनी सारी बिंदी, वो मैम मम्मी ने कहा कि कौन सा तेरी असली टीचर होगी, वो तो कोई स्कूल के निकम्मे बच्चे टीचर बनेंगे, तो ये ले जा, मम्मी की रखी हुई बिंदी थी तो वो दे दिया उन्होंने। आप पे तो काफी सुंदर भी लगेगी। चलो ठीक है कोई बात नहीं, थैंक यू। अरे अरे चुप करो सबके सब, फिंगर ऑन योर लिप्स। जल्दी से सारे बच्चे अपनी अपनी बुक्स निकालो, मैं बुक नहीं लेकर आई हूँ, मेरे फोन में सब कुछ डाउनलोड है। चलो पेज नंबर 36 आपके पास ओपन होना चाहिए जल्दी, 2 मिनट के अंदर। क्या समझ आया, पेज नंबर 36 खुला या नहीं खुला? ओपन योर बुक्स। रेखा किसे बात कर रही हो ये, चलो जल्दी से बुक निकालो। अरे मैम उसका ब्रेकअप हो गया ना, इसलिए उसको समझा रही है। क्या 5th क्लास के बच्चे को ब्रेकअप हो रहा है? अरे तुम इसको बाद में समझा लेना, तो पैराग्राफ 2 पढ़ेंगे सब। हाँ एक मिनट, तुम क्या बात कर रहे हो वहाँ पे, ये क्या चल रहा है, कर लो तुम बातें, चलो खड़े हो जाओ वहीं पे, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। चलो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, बिल्लो बग्गे बिलियादा की करेंगी? मैम मैं बताऊँ? कोई नहीं बोलेगा क्लास, चुप। ये ऊपर क्या देख रहे हो, ऊपर जवाब लिखा है? मैंने क्या पूछा, बिल्लो बग्गे बिलियादा की करेंगी? इन सब बच्चों को पता है, ये नहीं पता ठीक है। क्या पढ़ रहे थे फिर इतने दिनों से, हैंड्स अप करो, बस ऐसे ही रहना पूरे पूरे टाइम। हाँ
तुम बताओ। मैम बिल्लो बगे बिलियादा कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा कामचोर है और उसको काम नहीं करना, तो बिल्लो बगे बिलियादा सिर्फ आराम करेंगे घर में बैठकर। रॉन्ग आंसर। तुम में से किसी को भी नहीं पता इसका जवाब। मैं बताती हूँ बिल्लो बगे बिलियादा की करेंगी का भी जवाब फाइनल नहीं आया है, जिसकी खोज में भी साइंटिस्ट लगे हुए हैं। जैसे ही जवाब आएगा आपकी अगली बुक्स में वो छप जाएगा। बच्चों ने तो मेरा गला खराब करवा दिया, भूल भूल के थक गई। अपनी क्लास में भी कभी इतना नहीं बोली हूँ। एक काम करती हूँ, रक्षिता से पूछती हूँ क्लास में क्या हो रहा है। हाँ रक्षी, क्या कर रही है तू अपनी क्लास में? यार मेरी क्लास तो इतनी गंदी मिली है यार। अरे यार मुझे तो केजी क्लास मिली है, एक बच्चे ने पैंट में पार्टी कर दी। तू तो इसी में रह। मुझे तो फिर भी फिफ्थ मिली है, लेकिन ये फिफ्थ भी बहुत गंदी है यार, बहुत। अरे यार मैं तो बदबू में झेल रही हूँ, तू तो फिर भी ठीक है। हाँ यार वो तो ठीक है, ये बच्चे बड़े हैं। जा जा उसकी पॉटी साफ कर। अरे उसकी छोटी मत खींचो, छोटी मत खींचो, टूट जाएगी, टूट जाएगी, गिर जाएगी। मैं नहीं रखूंगी यहाँ पे, ये लोग तो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। ये टीचर्स कैसे संभालते हैं इसको? आदिल तू थोड़ा ज्यादा बोल रहा है, राखी से मिलेगा बोल गया था, मुझसे बोलेगा? रुक रुक, ये ले। अरे चुप चुप चुप, ये बच्चे तो शोर इतना मचा रहे हैं कि पूरे स्कूल पता चल जाएगा कि मेरी क्लास में सबसे ज्यादा शोर मचा रही है, और किसी क्लास से तो इतनी आवाज भी नहीं आ रही। आप लोग मुझे ये बताओ, आप लोगों को रील बनाना पसंद है? तो अभी आप लोगों को क्या करना है, मैं बस आप लोगों को ऐसे शूट करती जाऊंगी और आप लोगों को बस ऐसे गिरते जाना है, मरते जाना है, गिरते जाना है, मरते जाना है, एक एक करके सारे बच्चे मर जाएंगे, ठीक है? 1 2 3 4 दुम टेक टेक दुम टेक दुम टेक टेक दुम टेक। ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसे पढ़ाओगी बच्चों को? मुझे तो पहले ही पता था कि तुम कुछ ना कुछ ऐसा ही करने वाली हो मेरी क्लास के साथ। बेकार ही मैंने तुमसे उम्मीद लगा ली थी। अब एक काम करो, अभी से अच्छे से पढ़ाओ इनको। डांट पड़ गई, डांट पड़ गई। तुम सबका ना बहुत हो गया। एक काम करो, सारे के सारे बच्चे खड़े हो जाओ, चलो सीट पे खड़े हो अपने अपने, और लड़कियां मुर्गी बन जाओ, लड़के मुर्गे बन जाओ, मुर्गा मुर्गी, चलो। अच्छा आप होती कौन है? हम तो नहीं मान रहे आपकी बात। नहीं मान रहे? मैं अभी जाकर क्या? हाँ कंप्लेन तो पहले भी गई थी आप करने हमारे बारे में, कुछ उखाड़ तो नहीं पाई थी बब। उल्टा खुद ही दांत खा कर आ गई। याद है ना तुझे खिचड़ी फेंक दी थी सुहेल के मुंह पे? ये बच्चे, ये बैंड बाजा क्यों मिल गया मुझे? इतने अच्छे से तैयार होकर आई थी, मुझे लगा था अच्छी क्लास मिलेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि गलती कर दी, इतना मेकअप अच्छे से लगा कर आई थी, सब बह रहा है, गर्मी लग रही है, प्यास भी लग रही है। रोहन इधर आओ, मैम के लिए ठंडा पानी लेकर आओ, बिल्कुल ठंडा, जल्दी। और हाँ हो सके तो रिफ्रेशमेंट भी ले आना, टीचर्स के तो खुल गया होगा ना, ले आओ। मैम आई एम नॉट योर सर्वेंट। हुस्न की परी लग रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके इशारों पे नाचेंगे। बच्चे हैं हम, मन के सच्चे, खुद जाइए और खुद लेकर आ जाइए। मुझे आ रहा है गुस्सा। चलो बच्चों एक काम करते हैं, मैं भी बोल रही हूँ, तुम लोग भी बोल रहे हो, पढ़ाई कर लेते हैं जिस चीज के लिए मैं आई हूँ। ए फॉर बताओ क्या होता है? ए फॉर मैम ये क्या पढ़ा रही हूँ, घिसा पिटा वो सब आता है, मैम सब पढ़ लिया। तो एक और बार पढ़ लो, मैं पढ़ा रही हूँ ना, अच्छे से याद होगा इस बार। चलो ए फॉर एप्पल का आईफोन, बर्बेरी का बैग। साइलेंस साइलेंस साइलेंस, चुप 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 चुप। एक मिनट के किसी मैम ने क्या बुला लिया मुझे? तुम लोगों ने तो बिल्कुल शोरी मचा दिया यहाँ पे। किसी मैम मुझे यहाँ पर देकर गई है तुम लोगों के लिए दोहे, रहीम के दोहे याद करवाने तुम सबको। कल वो तुम लोगों का टेस्ट लेंगे, आज याद कराना मेरा काम है। अब सुनो सारे बच्चे, मैं यहाँ पे पढ़ के सुनाऊंगी, तुम सभी को याद कर लेना है बस। पहला शुरू होता है रहीमन धागा प्रेम का, क्या किसका? प्रेम का। मत तोरो चटका चटक चटक। ये टीचर बनेंगी ये? कुछ को तो पढ़ना आता नहीं है। शट अप। टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पे पप। अरे टूटे फूटी हिंदी। फेलियर फेलियर हमारी, फेलियर 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 फेलियर। इस क्लास में हो क्या रहा है? सिर्फ और सिर्फ हंसने की आवाज आ रही, क्या हो गया बताओ? मैं तो दोहे याद करवाई थी इन लोगों को, लेकिन ये बच्चे तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। क्या मैं इतनी बुरी हूँ मैम? सारे बच्चे मुझे फेलियर फेलियर कह रहे हैं। ये तुम लोगों ने क्या तमाशा बना रखा है यहाँ पे? एक टीचर आई है तुम्हें पढ़ाने की कोशिश कर रही है और तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो। तुम्हें एक टीचर की इज्जत करनी नहीं आती? क्या तुम्हें सीखोगे? तुम यही सब कहेंगे ना कि मैंने सिखाया ये सब कुछ। और तुम सब सुनो, ये भले एक स्टूडेंट है लेकिन आज तो ये टीचर बनी है ना, और टीचर का सम्मान करना किसका फर्ज है? तुम लोगों का। जरूरी नहीं है कि जिसने डिग्री ली है, पढ़ाई की है, वही टीचर बन सकता है, या जो स्कूल में पढ़ा रहा है वही टीचर है। ऐसा कुछ नहीं होता है, जो भी हमें शिक्षा दे रहा है वो टीचर है। सॉरी बोलो सब उसको। सॉरी दीदी। ठीक है कोई बात नहीं, चलो अब मैं याद करवा रही हूँ, सब लोग याद करेंगे। एक मिनट रिया दीदी, हम सबको आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। हैप्पी टीचर्स डे।
आपके साथ क्लास में हमें बहुत मजा आ रहा है। हाँ चल मुझे भी। चलो चलो अब पढ़ते हैं, कल तुम्हारा टेस्ट है ना, आज हम अच्छे से तैयारी कर लेंगे ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और हाँ आप लोग कमेंट में अपने फेवरेट टीचर का नाम जरूर बताना। मेरे फेवरेट टीचर तो मेरे पापा है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करो, आपको एड्रेस दिख रही होगी। तो अब मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।